हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। जैसे मैंने कहा था, लास्ट डेज में क्या क्या करना चाहिए है ना, उसमें एक चीज थी गेस्ट पेपर्स या मॉक टेस्ट। उसके बारे में आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ और साथ में शेयर करने वाला हूँ पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे बच्चों ने कैसे सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको कि आपको तीन चीज़ें करनी है अगर 80 में से 80 लाना है, राइट। एक था इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस या प्रूफ्स या थ्योरम्स, दूसरा टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं आपके साथ। और कई बच्चों ने मुझे कहा, सर गेस्ट पेपर दे दो ना, बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे टेलीग्राम पे कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कनेक्ट होके। तो चलिए आज मैं आपको तीन गेस्ट पेपर्स देता हूँ। कितने? तीन, इस साल के तीन। अगर आपको पुराने चाहिए तो पुराने भी और तीन चार मिल जाएंगे, बट ये बात पक्की है कि ये तीन गेस्ट पेपर्स अच्छे से करो, पूरा पेपर यहीं से होने वाला है बच्चों, पक्का गारंटी वारंटी। क्योंकि जब मैं पेपर बनाता हूँ तो बहुत एनालिसिस करके बनाता हूँ, क्वेश्चन यहाँ क्या डाला है, यहाँ क्या डाला है, यहाँ क्या डाला है, बहुत ध्यान देता हूँ ताकि सारा कवर हो जाए। बहुत ईमानदारी से काम किया जाता है, बहुत मेहनत लगती है पीछे, और एक एक क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ, बहुत अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको 2024 के पेपर्स दिखाऊंगा, उससे पहले पेपर पैटर्न पता है आपको मैथ्स का? पेपर पैटर्न, चलिए पहला पेपर देखते हैं। हर पेपर में मैंने पेपर पैटर्न भी रखा है सामने, तो गेस्ट पेपर पहला, राइट। अब यहाँ देखेंगे आप, तो मैंने पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न बताया है ताकि आप वहाँ 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं आपको है ना पेपर में, लेकिन यही पता कर लो कि सेक्शन ए में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होते हैं? 8 होते हैं, 2 मार्क के मतलब 16 मार्क, एक एक मार्क के 4 क्वेश्चन होंगे, तो सेक्शन ए 20 मार्क का हुआ। कितने मार्क का सेक्शन है? 20 मार्क का। सेक्शन बी यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए हैं आपको, 8 करने हैं, 2 2 मार्क के मतलब 16 मार्क, 16 मार्क का होगा, यस है ना। तो 20 और 16 36 हो गए सर। सेक्शन सी अगेन 12 क्वेश्चन दिए आपको, उसमें से एनी 8 करने हैं, 3 3 मार्क के 24 मार्क्स, यस 24। तो 36 प्लस 24 कितना हुआ बच्चों? 60 हो गया। और सेक्शन डी 4 4 मार्क के क्वेश्चन से आपको 5 करने हैं आउट ऑफ 8, या 8 क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से आपको 5 करने हैं, मतलब 20 मार्क्स। तो ऐसे करके 80 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया, ठीक है। तो इसी पैटर्न में मैंने यहाँ पेपर दिया है, आप सेक्शन ए के क्वेश्चन कौन से हैं कैसे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सेक्शन ए तो आपको ये सॉल्व करना है, पीडीएफ फॉर्म में भी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, इनफैक्ट आप ऐप में से भी डाउनलोड करके व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर पाओगे है ना, ये भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी मैं परमिशन दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये सेक्शन बी स्टार्ट हो गया सर, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 से लेके चालू हो जाता है, राइट। सेक्शन बी सेक्शन बी सेक्शन बी है ना 14 तक, फिर सेक्शन सी के क्वेश्चन है ना। देखो वेटेज भी फॉलो किया मैंने चैप्टर वाइज, बहुत प्यार से बनाया है पेपर, और चैप्टर वाइज वेटेज भी पूरा पूरा फॉलो किया है। और सेक्शन डी के एनी 5, ठीक है, यहाँ पे तो ये सारे क्वेश्चन, ये प्रूफ दैट थ्योरम वेरम उस तरह के सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो ये है, अब ये पेपर मैंने अपने ना बच्चों से लिया है, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो है उनसे लिया है, और उनका सोल्यूशन देखना है आपको, राइट। चलिए मैं एक सोल्यूशन शेयर करता हूँ 1 का, ये मैंने खुद ने चेक किया है, इसी तरह आपको लिखना है, ये मैंने खुद ने चेक करा है, 80 में से 80 आया है। इस बच्चों का पेपर दिखाऊंगा मैं आपको। सेक्शन में लिखते कैसे है सर? तो बस डायरेक्ट ऐसे लिखा तो भी चलेगा, 100% चलेगा है ना, ऐसे बस। देखिए मैंने हर एक को दो 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 मार्क्स देके ऐसे खत्म किया है, राइट। एकदम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पेपर कैसे चेक किया जाता है, बहुत बढ़िया। जब नया क्वेश्चन स्टार्ट करें तो नए पेज से स्टार्ट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 उसने नए पेज से स्टार्ट किया, राइट। मतलब क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो ना, सेक्शन नया अगर स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। फिर अगर एक एक मार्क के 4 क्वेश्चन यहाँ पे उसने कर दिए हैं, अच्छा उसने एक्स्ट्रा कहीं नहीं सॉल्व किए, ऐसे ही हम चेक करते हैं ए में कितना मिला, 20 मिल गया। अब सेक्शन बी नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, देखो उसने कितना क्लीन लिखा है, कितने अच्छे स्टेप्स दिखाए हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप उसने कैसे लिखा है, कहाँ क्या किया है, सब देखो। आप खुद सॉल्व करो और इससे चेक करो कि इसके स्टेप्स और आपके स्टेप्स कैसे हैं। आप देखिए कितने आराम से उसने स्टेप दिया, और मैं कैसे चेक करके 2 2 मार्क्स दे रहा हूँ साइड में, राइट। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से इसने प्रेजेंट करी है इसी तरह। और ये क्वेश्चन गलत हुआ, लेकिन मैंने इसको एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, यस सर। क्यों ये गलत हुआ, यहाँ पे क्यों मार्क मैंने काटा है? 9 स्क्वायर यूनिट्स लिखा है इसने, 9 यूनिट्स होना चाहिए था, वॉल्यूम में क्यूबिक यूनिट्स होने चाहिए था। तो छोटी छोटी चीज़ों पे, क्योंकि 80 मिल रहा है तो छोटी छोटी चीज़ों पे हम गलतियां निकालते हैं, बहुत छोटी, क्यूबिक यूनिट्स होना चाहिए था सर, यस। देख रहे हो अगेन कुछ चीज़ें गलत करी तो एक्स्ट्रा में निकल गया, एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा है इसने बच्चे ने, ठीक है। ऐसे करते करते ये भी एक्स्ट्रा है सर, ठीक है। तो ऐसे करते करते इसने सेक्शन 2 सेक्शन बी पूरा पूरा कंप्लीट करा है ना, सेक्शन बी में इसको पूरे 16 मार्क्स मिल गए। सेक्शन सी की बारी आई,
सेक्शन सी इसने करा है, बट यूजुअली ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको एंड में करना चाहिए, है ना। पहले आप कंपलसरी क्वेश्चंस कर लीजिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप साथ साथ में मत करिए, फिर आखिर में अगर टाइम नहीं बचा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पहले कंपलसरी पेपर को पूरा पूरा करना चाहिए। नीड टू प्रूव, कोसाइन रूल, जो जो भी मैंने यहाँ बोला है ना, यहाँ पे जो कमेंट डाले हैं आपको मैं पीडीएफ भी, कितना क्लीन लिखा है ना सर, हैंडराइटिंग भले इतनी अच्छी ना हो आपकी चलेगा, लेकिन आपको क्लीन लिखना है, बहुत काटना वाटना नहीं है, ठीक है। देखो कुछ कुछ चीज़ें जो ऐड करनी है मैंने यहाँ बताया कि क्या ऐड करना है आपको, और राइट क्यों मैंने मार्क्स काटे हैं, प्लस सी नहीं लिखा इसलिए हाफ मार्क काट दिया। मैं बहुत स्ट्रिक्ट पेपर चेक करता हूँ मेरे बच्चों, बहुत स्ट्रिक्ट पेपर चेकिंग होती है मेरी, राइट। और फिर क्या क्या गलती है क्या नहीं मैं सारा यहाँ बताता भी हूँ, ठीक है। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, कितना नीट एंड क्लीन इसने करा है, राइट। और ऐसे करते करते इसको सारा पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इसने बहुत अच्छे से दिखाया है आपके लिए, प्रेजेंटेशन बहुत सही है, ठीक है। मैं फिर कहता हूँ कि साफ सुथरा होना और हैंडराइटिंग अच्छी होना ये दो अलग अलग बातें हैं, पेपर को आपको साफ सुथरा कर रखना है। वैसे ही आप गेस्ट पेपर टू है ना, आपको मिल जाएगा पेपर ऐसे ही, ठीक है। तीन पेपर्स दिए मैंने और सारे पेपर्स आप एनालाइज करोगे ना, सारे डिफरेंट क्वेश्चंस है, मतलब एक बहुत ही अच्छा वैरायटी मिल जाएगा और उसका सोल्यूशन है ना। यस, इस बच्चे का सोल्यूशन दिया है, अभी देखो इसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं लेकिन फिर भी 80 में से 80 मिला है इसको, राइट। तो मैं आपको दे दूंगा। फिर थर्ड वाले का सोल्यूशन, इसको 80 नहीं मिला है, 78 मिला लेकिन इसने अच्छा लिखा है, ठीक है। तो कहाँ गया है मार्क्स, कहाँ नहीं गया, सब मैंने बताया हुआ है। तो ये तीन सैम्पल पेपर्स या गेस्ट पेपर्स या मॉक टेस्ट आप दे दो, अभी दूँ सर, अब अगर आपकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है तो पहले दे दो, बस खत्म करो अपनी पढ़ाई को। यहाँ पे हम कह सकते हैं मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। जिन बच्चों की पूरी पढ़ाई हो चुकी है वो 10 क्वेश्चंस नहीं भी करना चाहे ये गेस्ट पेपर्स करके, सर इतना टाइम नहीं है 10-10 क्वेश्चंस करने का, कोई बात नहीं, गेस्ट पेपर्स या तीन गेस्ट पेपर्स कर लो, पक्के से काम हो जाएगा। और पेपर जैसे ही कर लेते हो आप चेक कर लो, है ना, ये सॉल्यूशंस के थ्रू कि आपने और इसने सब सही लिखा है, सेम लिखा है, सेम आ रहा है स्टेप्स, ये सब देख लो। और जिनकी पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हुई है वो टॉप 10 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो मैंने दिया है, आप किसी चैप्टर से करने हो या इन गेस्ट पेपर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, इन गेस्ट पेपर्स में से ही क्वेश्चंस आएंगे। आप बोर्ड होने के बाद मुझे बताएंगे सर आपने दिया था वही आया, ठीक है। तो ये मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ, है ना, टेलीग्राम में मैं ये शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ के फॉर्म में आप डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा बच्चों यस, आप इसको गणित अंक ऐप पर भी जाके देख सकते हैं, ये जो महारिविजन 2.0 करके हमारा है फ्री है, है ना, ये जाइए आप ऐप में, इसकी लिंक मैं नीचे भी शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे गेस्ट पेपर्स विद सॉल्यूशंस है, तो ये 24 ये वगैरह है, तो बेटा आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे ना, जो भी गेस्ट पेपर्स होंगे आप इसको ज्वाइन करने के बाद डाउनलोड कर पाएंगे और व्हाट्सएप में शेयर भी कर पाएंगे, वहाँ शेयर का लिंक मिलेगा आपको, ठीक है। तो व्हाट्सएप में शेयर किया मतलब पीडीएफ आ जाएगा आपके पास, पेपर सॉल्यूशन। इसके अलावा पुराने भी अगर आपको चाहिए और प्रैक्टिस करनी है तो 2022 का भी मैंने बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ था, इसका तो वीडियो सॉल्यूशन भी है, अगर कोई बहुत ही तकलीफ में है सर तो वीडियो सॉल्यूशन भी है 22 के, तो 22-23 में भी काफ़ी मेहनत कर रखी, तो ऐसे करके 6 गेस्ट पेपर्स आपको मिल सकते हैं। बट अगर आपने तीन भी किए ऊपर के तो बहुत है मेरे बच्चों, बहुत है, ठीक है। तो अच्छी पढ़ाई करते रहिए, आई एम वेरी श्योर आप बोर्ड्स में फुल स्कोर लाने वाले हैं, अभी से भी पॉजिटिवली काम, रोज एक एक गेस्ट पेपर कर लो, 3 दिन में खत्म, है ना, 3-4 दिन में खत्म, जिनकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, जिनको लग रहा है मेरा 80% से ज़्यादा पढ़ाई हो चुका है, ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो खुद को। सर कुछ कुछ बचा है, कोई बात नहीं, जिस भी चैप्टर का जो जो भी बचा है गेस्ट पेपर से कंप्लीट कर लो, टॉप 10 क्वेश्चन से कंप्लीट कर लो, बस आखिरी दिनों में यही सब करना होता है बच्चों, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में जानना है कि सर कौन से चैप्टर से कितनी कितनी थ्योरम्स आती है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए मुझको। और भी कोई चीज़ आपको डिफिकल्ट लग रही है मैथ्स को लेकर, बोर्ड्स को लेकर, पक्के से कमेंट करिएगा, मैं श्योर आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मचाना है करके दिखाना है बच्चों।